हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आसिफ आज़ाद में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब आप किसी भी शहर में या किसी भी राज्य में हो, आप वहीं से अपना राशन ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपने ज़िले में हो या ज़िले से बाहर हो या किसी भी राज्य में हो, इंडिया में अगर आप किसी भी राज्य में हैं तो आप वहाँ से अपना राशन ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके राशन जो लास्ट 6 मंथ का है वो आपको कितना मिला है या आगे आपका कितना बाकी है और उसका रेट क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं और ये कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आप किसी भी ज़िले से या किसी भी राज्य से अपना राशन ले सकते हैं। बिना किसी दिक्कत के आप राशन अपना ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कितना बाकी है और कितना मिल चुका है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप प्ले स्टोर पर आएँगे और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है उमंग लिख के सर्च करेंगे। उमंग लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप दिखाई देगा उमंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद ये ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश हिंदी, आप जो भी जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पे रख के इसको आई एग्री पे टिक लगा देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा व्यू राशन का डिटेल, या आपको यहाँ पे वन नेशन वन राशन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आना है यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है और आपको इसमें देखना है कि वन नेशन वन राशन कहाँ लिखा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ना मिले या ढूंढने में आपको दिक्कत हो तो आप सबसे अच्छा यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं राशन, सिर्फ आप राशन, आप यहाँ पे राशन लिख के भी सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहेगा वन नेशन वन राशन कार्ड। तो दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर पे पहले क्लिक कर लेना है अगर आप पहले इस पर अकाउंट नहीं बनाए तो, और उसके बाद लॉगिन करना है। तो दोस्तों, हम भी रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं वहाँ पर, और एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी नंबर से इसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपका नंबर राशन कार्ड में लिंक हो या आधार कार्ड में लिंक हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी नंबर से इसमें लॉगिन कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चलिए अपना नंबर एंटर कर देते हैं और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज़ लॉग इन टू इंजॉय। तो दोस्तों, मेरा नंबर प्लस रजिस्टर है, मैं इसको लॉग इन करता हूँ। दोस्तों, आप इस पर क्लिक करके, और आपके पास एक एम पिन बोलेगा, अगर आपके पास एम पिन नहीं होगा तो आपको फिर से वहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे ओटीपी पे, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करके आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, आपको फिर जब आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो आपको एक एम पिन बनाने के लिए बोलेगा, 4 अंक का 5 अंक का, आप कोई भी अपना एक नंबर 4 अंक का एंटर करके उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एम पिन यहाँ पे एंटर करना होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, अब यहाँ पर अपना एम पिन एंटर करता हूँ। तो दोस्तों, एम पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वन नेशन वन राशन का, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है व्यू राशन कार्ड डिटेल्स, आपका जो राशन कार्ड है उसका डिटेल्स आप देखना चाहते हैं कि आपके कितने फैमिली मेम्बर इससे लिंक है, उनका नाम इससे लिंक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि व्यू लास्ट 6 मंथ परचेज, यहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ में जितने भी राशन आपने लिए होंगे, गेहूँ या चावल या चीनी जो भी मिलता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर चेक बैलेंस ऑफ कम्युनिटी, इसमें आपको दिखाई देगा कि आपका अगला कितना बाकी है मिलना। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, आप इसमें अपने घर बैठे आराम से चेक कर सकते हैं
कि कौन कौन से फैमिली मेम्बर आपका लिंक है और कितना अनाज मिला और कितना न मिला। तो सबसे पहले हम व्यू राशन कार्ड डिटेल पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपना राशन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो आप अपने राशन कार्ड से क्या करना है, उसका नंबर लेना है और यहाँ पर एंटर करके चेक डिटेल पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर एंटर करता हूँ और फिर चेक डिटेल पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे राशन कार्ड नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद चेक डिटेल पे क्लिक करता हूँ। चेक डिटेल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये लोड हो रहा है और फिर आपको बताएगा। तो दोस्तों देखिए ये लोड हो गया और यहाँ पे क्या है कि आपका पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है कि आपका राशन कार्ड कहाँ का है। उसके बाद आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका यहाँ पे नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आधार इसी डेट यहाँ पे दिखाई देगा कि उनका आधार नंबर लिंक है या नहीं लिंक है। अगर नो है तो उनका लिंक नहीं है। उसके बाद रिलेशन दिखाई देगा कि आपके कौन है। ऐसे करके आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का यहाँ पर आपको नाम और रिलेशन और आधार दिखाएगा और उनका एक यूनिक आइडेंटिटी भी दिखाई देगा। तो दोस्तों इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर कितने आपके राशन कार्ड से लिंक है। और उसके बाद दोस्तों ये चेक करने के बाद आप फिर बैक आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने पिछले 6 महीने में कितने अनाज लिए हैं और कितना आपका बाकी है। तो यहाँ पर सी इन्फॉर्मेशन पर फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर और क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ये हमें रेट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे राशन कार्ड नंबर अपना एंटर करेंगे। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और फिर चेक डिटेल पे क्लिक कर दिए। दोस्तों ये करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम दिखाई देगा कि किन के नाम से है, उसके बाद उनका पूरा एड्रेस दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि सेल स्टेट नेम बिहार वीट परचेज, तो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे मतलब वीट आपने नहीं लिया, गेहूँ नहीं लिया। और यहाँ पे राइस परचेज पे दिखाई दे रहा है कि हाँ 33 kg, मतलब आपने 33 kg राइस लिया है। उसके बाद यहाँ पे उसका दिखाई देगा और डिटेल। अब आपको ऐसे पूरे दिखाई देगा कि आपने कितना कब क्या क्या लिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 22 kg गेहूँ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे यहाँ पे फिर चावल दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ पे गेहूँ दिखाई दे रहा है। ऐसे करके दोस्तों ये आपको 6 मंथ का पूरा ट्रांजेक्शन दिखाई देगा कि आपने कितना लिया है और कितना नहीं लिया है। और तो दोस्तों आप अपने घर बैठे आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कितना 6 मंथ में लिया है और नहीं लिया है राशन। उसके बाद यहाँ पे चेक बैलेंस ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे आप क्लिक करके अगले राशन का देख सकते हैं कि कितना बाकी है आपका। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राशन कार्ड नंबर फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद चेक डिटेल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका फैमिली मेम्बर्स का नाम दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे आना है और ट्रांजेक्शन के आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका कितना बाकी है। तो दोस्तों हमारा बाकी नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों का बाकी हो तो यहाँ पे उसका डिटेल दिखाई देगा कि आपका कितना राशन बाकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने राशन कार्ड का पूरा डिटेल ऐसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।